यौम मई ये मजदूरों का दिन होता है और दुनिया भर में मजदूरों के आज के दिन जलसे होते हैं, जुलूस निकलते हैं, कई फैक्ट्रियों पे या अन्य जगहों पे लाल झंडे फहराए जाते हैं। और ये वो दिन है जबकि मजदूरों के संघर्षों को हम सेलिब्रेट भी करते हैं और उसके साथ एकजुटता और सॉलिडारिटी भी हम जाहिर करते हैं। जो हमारे साथी अंदर है उनके लिए आखिरी चेतावनी। दास्तान शुरू कर रहा है अपनी कथा, बाहर आइए। हम ओस की बूंदे हैं शहर में दोस्त, हम ओस की बूंदे हैं शहर में दोस्त घने कोहरे की, हम ओस की बूंदे हैं शहर में दोस्त घने कोहरे की, तड़के की धूप से कत्लेआम होंगे दोस्त, तड़के की धूप से कत्लेआम होंगे दोस्त, घने कोहरे के बाद हम फिर से ओस बनकर आएंगे दोस्त। नौकरी कहाँ है दीवाने, दिखती नहीं है सनम, तो मंदिर का मुद्दा उठाए होके निरे बेसरम। कैफी आजमी ने एक नज्म लिखी थी औरत, उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि जो हमारे आज़ादी के वक्त के शायर थे, जितने भी इनकलाबी शायर थे, वो जब आज़ादी की जंग लड़ने की उन्होंने ठानी तो अपनी प्रेमिकाओं से, अपनी पत्नियों से कहा कि तुम यहीं रुको, मेरा इंतज़ार करो, मैं देश आज़ाद करा के लाता हूँ, फिर हम इश्क भी करेंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे, शादी भी करेंगे और फिर हम साथ में भी रहेंगे। वो ये बात शायद भूल गए थे कि जब वो वापस आने की बात करते हैं तो वो वापस नहीं आएंगे, उनकी खबर वापस आएगी कि फलां जगह पे मारे गए। लेकिन औरतों को उन्होंने हमेशा इंतज़ार करने के लिए कहा, कभी ये नहीं कहा किसी ने कि तुम मेरे साथ चलो, साथ में देश आज़ाद कराते हैं, वक्त मिलेगा तो इश्क भी कर लेंगे। आपने कभी शहतूत देखा है? जब वो गिरता है उतनी जगह पर उसके लाल रस का धब्बा पड़ जाता है। गिरना सबसे बुरा होता है, गिरना सबसे बुरा होता है। मैंने कहीं मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए और गिरकर शहतूत बनते हुए जब हम कहते हैं फेक न्यूज तो हम समझते हैं इसका रिश्ता, इसका संबंध सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री से है, लेकिन दिलचस्प है कि इसका संबंध मीडिया से कम है और उन राजनीतिक दलों, बल्कि मैं दल कह दूं तो और अच्छा होगा, उनके आईटी सेल से ज़्यादा है। आईटी सेल जो प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पर काम करते हैं, जिसमें हमारे पत्रकार की तरह पट्टे लगाकर 10 से 5 कुछ लोगों को चुना जाता है, हायर किया जाता है, और वो देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से आए हुए लोग होते हैं और उनका मुख्य काम होता है जो सच है उसे झूठ में तब्दील कर देना, उनका काम होता है जो बोलता है उसे बोलने नहीं देना, उनका काम है बिना बैग के अंदर हाथ डाले कंडोम गिन लेने की क्षमता और ताकत विकसित करना,
और ये सब करते करते लगता है कि झूठ खबरें फैलाई जा रही है। दरअसल उनका काम होता है संविधान ने जो एक लोकतंत्र की घोषणा की है उस लोकतंत्र को झूठा करार देना। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। मार्क्स और एंगल्स ने 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। अगर वो आज आप पढ़ के देखें, और अभी हमने सुभाषिनी अली के अनुवाद में हमने मैनिफेस्टो को जो है दोबारा हिंदी में निकाला है, एंड इट वाज जस्ट अस्टोनिशिंग टू मी, एब्सोल्युटली अस्टोनिशिंग हाउ मोर देन 170 इयर्स अगो मार्क्स एंड एंगल्स आर राइटिंग अबाउट अ कैपिटलिज्म दैट इज ट्रू of the capitalism of today. It is astonishing. Woo!